अगर हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा दी जाती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए 1798 से 1805 तक जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्री रंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जंग में मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो कि सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। आखिरकार 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। अब तक के ऐतिहासिक विवरण से यह स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई।
कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई दी, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कर्नाटक के कित्तौर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे और भी अन्य उदाहरण आप आगे भी इस एपिसोड में देखेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। इससे पहले समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचने में 6 से 8 महीनों का समय लगता था, वहीं भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी।